घायल 112 पुलिस ने पकड़ा मिनी मेट्रो में संदिग्ध परिस्थितियों में गल्ला। सिरसखेड़ा जनपद मुरादाबाद थाना व ब्लॉक मुंडा पांडे में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब सिरसखेड़ा से मिनी मेट्रो वाला 2 क्विंटल गल्ला गोविंदपुर आड़तपट सप्लाई के लिए ले जा रहा था। तभी डायल 112 पुलिस ने उसको रोक कर पूछताछ शुरू कर दी तो मिनी मेट्रो वाले ने गल्ला सिरसखेड़ा गांव के ही किसान का बताया। उसने बताया कि मैं 100 रुपए में गोविंदपुर आड़तपट किसान का गल्ले लेकर जा रहा था। उसने बताया कि यह गल्ला गाँव के ही हरकेश पुत्र बाबूराम निवासी सिरसखेड़ा का है। पुलिस मिनी मेट्रो वाले के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई और मिनी मेट्रो के साथ साथ चालक को भी पकड़कर थाने ले आई, जहां पर पुलिस का कहना है कि इस विषय में कड़ी पूछताछ की जा रही है। सरकारी गल्ले के डीलर के दोषी पाए जाने पर उचित कार्यवाही की जाएगी। आपको बताते चलें कि भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी गुजर बसर करने वालों को राशन दिया जाता है, लेकिन सरकारी गल्ले को आए दिन डीलरों द्वारा ब्लैक करने की वारदातें सामने आती रहती हैं और हर बार कानूनी दाव पेच के जरिए डीलर खुद को बचाने के लिए किसी किसान का गल्ला बतला कर छोड़ जाते हैं। अब देखना यह है कि पुलिस इस विषय में क्या कार्यवाही करती है। क्या गल्ला हकीकत में ही किसी किसान का है या सरकारी गल्ले के डीलर साहब खुद को बचाने के लिए शातिर दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं। नाम करामत अली है जी। मैं सिरसखेड़ा से आ रहा था तो यहाँ मैंने देखा तो भीड़ लग रही थी, जगह 2-4 आदमी थे, तो जगह 100 नंबर गाड़ी थी। मैंने इनसे पूछा भाई साहब क्या बात है, तो एक किसान था वो अपने गेहूँ बेचने के लिए जा रहा था, 2-2.5 क्विंटल उसके गेहूँ थे, तो किसी ने सूचना ना गलत दे दिया ना ये किसी डीलर के गेहूँ है। अच्छा। वो भाई साहब वो अपने गेहूँ लेकर आ रहा था, मैंने पूछा तो बात ये सही निकली, वो अपने किसानी के गेहूँ थे। किसानी गेहूँ थे वो? जी जी, एक किसान के थे, वो अपने आड़त पर बेचने के लिए जा रहा था। अच्छा। 2-2.5 क्विंटल गेहूँ थे। किसने पकड़ा? ये 100 नंबर वाले थे। 100 नंबर वाले जी, किसी ने सूचना ना गलत दे दी। अच्छा। अब वो 100 नंबर वाले साथ लेके गाड़ी क्या? हाँ, वो साथ ले गए, थाने को ले गए हैं वो। अच्छा। और वो गए हुए हैं जगह से, फिर धाम जी गए हुए हैं, वो बता देंगे हैं सर। वो अपने किसान के गाँव से सर। ये डीलर के लोग? न, डीलर का कोई रोल नहीं है इसमें सर, डीलर के गाँव में किसान के हैं, किसान के थे सर। अच्छा। पुलिस ने जो पकड़े हैं वो तो गलत सूचना पकड़े जी, गलत सूचना दिया किसी ने सर।